हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के विषय में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो 9 सीक्रेट्स जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन में फील करते हैं, जिनकी वजह से लोग ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार बनते हैं। और ये डिप्रेशन जब बढ़ता है तो वो एक एक्सट्रीम सुसाइडल रेंज तक पहुंचता है। इस इशू को डेप्थ में समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, जहां आज के माहौल की बात कर रहे हैं तो अभी एक लेटेस्ट सिचुएशन हम सबके सामने है कि हर तरफ नेगेटिविटी का माहौल है, हर कोई डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। जिस भारत में कभी खुशियों की नदियां बहा करती थी, आज वो वर्ल्ड कैपिटल बना हुआ है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और वे स्लीपिंग पिल्स का। क्यों ये सब बढ़ रहा? क्या है इसके पीछे फैक्टर्स? क्यों लोग डिप्रेस होते जा रहे हैं? क्यों लोग पे अपने मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे? मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 9 सीक्रेट्स जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं। नंबर 1 है पास्ट की पेनफुल मेमोरीज। जी हाँ दोस्तों, आप हर रोज अपने घर को सफाई कर रहे हो, हर रोज अपने ऑफिस की सफाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पड़ा हुआ डस्ट आपको बीमार कर सकता है। तो दोस्तों, जरा सोच के देखिएगा कि आप अपने घर को, अपने ऑफिस को रोज सफाई कर रहे हो क्योंकि वो डस्ट आपको दिखाई दे रही है। क्या आपने अभी तक कभी अपने माइंड की सफाई की? क्या है आपके माइंड का डस्ट? आपके दिमाग की डस्ट है आपका पास्ट का फेलियर, सेटबैक्स। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ सदियों पहले घटित हुआ, लेकिन आज भी वो आपको उतना ही तकलीफ दे रहा है, आज भी आपको उतना ही दर्द दे रहा है, लेकिन आपको उसे हैंडल करना नहीं आ रहा। आज आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको आपका माइंड क्लीन करना आता है? क्या हमें किसी भी लेवल पे सिखाया गया किस तरह हम अपने माइंड को साफ रखें, किस तरह हम पीसफुल रहें, किस तरह हम खुश रहें? या सिर्फ और सिर्फ नंबर्स और सब पैसों की दौड़ में ही हम लगे हुए हैं? तो सबसे पहला है आपका पास्ट पेनफुल मेमोरीज का आपके पास रिटेन रहना। वो जब भी याद आती हैं आपको उतना ही तकलीफ देती हैं, आप उसको और कम नहीं कर पा रहे हो। दूसरा है दोस्तों कि काफी लोगों को आप देखते होंगे कि वो अपने आप को प्रेजेंट के इश्यूज में इन्वॉल्व पाते हैं, प्रेजेंट के इश्यूज में फंसा हुआ पाते हैं, उनको उसमें से निकलने का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा होता। कुछ लोगों को देखा होगा, यदि आप उनसे पूछते हो तो वो इस तरह से कहते हैं कि आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, यानी कि उसके हाथ भी ये बता रहे हैं कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है समस्या से। जब वो समस्या में घिरा हुआ है तो उसके समाधान कैसे देख पाएगा? ये एक सबसे बड़ा इश्यू है। तीसरा सबसे बड़ा इश्यू है कि वो अपने फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाता, उसको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता, उसका फ्यूचर डार्क दिखाई देता है। उस वजह से भी लोग अपने आप को डिप्रेशन की तरफ खींच लेते हैं, वो उससे निकल नहीं पाते। और वो समस्याएं जब तो किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, उनको समाधान नहीं निकलना आता। मैं NLP की छोटी सी टेक्निक आपको दे रहा हूं, आप करके देखिएगा। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ये कहता है कि उसके पास, उसको अपना फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, उसको अपना फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है, उसको आप अगले 1 घंटे की प्लानिंग करवाइए, फिर 5 घंटे की प्लानिंग करवाइए, फिर 1 दिन की प्लानिंग, फिर इसी तरह 1 हफ्ते की प्लानिंग करवाइए, 1 महीने की प्लानिंग करवाइए और 1 साल की, फिर 5 साल की, फिर 10 साल की उसे प्लानिंग करवा के देखिएगा। दिखाइए उसको फ्यूचर। जब उसको आप फ्यूचर दिखाओगे, उसे सपने बनवाओगे, उसे प्लानिंग बनवाओगे, तो उसको फ्यूचर दिखाई देने लगेगा। चौथा कारण है, बहुत से लोगों के अंदर से आवाज आती है जो उनको आगे बढ़ने से रोकती है, और फिर वो जब प्रोग्रेस नहीं कर पाते तो अपने आप को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, इवन आपने भी फील किया होगा। जब आप स्टूडेंट थे, आपको पूरी तरह पता था कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है और आप प्लान भी बनाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए किताब उठाते तो आपके अंदर से आवाज आती थी, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। और वो आवाज आपको हर रोज आती थी और हर रोज आपको 1 दिन पीछे धकेल देती थी। दोस्तों, ऐसी आवाजें आपको आती हैं और आप उन आवाजों को म्यूट करना नहीं जानते। वही पांचवा है कि कुछ लोगों को अपने अंदर से इंटरनल इमेजेस दिखाई देती जो बाहर में एग्जिस्ट नहीं करती, बट उनको दिखती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डर बना रहता है, जिनकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। चौथा है कि कुछ लोगों को अचानक कुछ सेंसेशन आ जाती हैं, कुछ फियर आ जाता है, क्यों अचानक से कभी भी उनके शरीर में पसीना आ जाता है, उनके पास ऐसी सेंसेशन आती है, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं हो रहा होता है। उन सेंसेशंस को कैसे हैंडल करें, उसको कभी सिखाया ही नहीं गया, और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में यदि एक बार आता है तो लगातार उस डिप्रेशन में आता चला जाता है।
दोस्तों अगला है कि कुछ व्यक्तियों के साथ में कुछ पर्टिकुलर जगह पर या पर्टिकुलर व्यक्ति के फेस को देखते हुए उनकी कुछ इमोशंस उसके साथ अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जब भी उस व्यक्ति को देखता है या जब भी उस जगह पे जाता है वहां पर उसको वही परेशानी दोबारा होती है। जब भी वो व्यक्ति दिखाई देता है आपको गुस्सा आ जाता है। इसी तरह से कई बार लोगों को आपने देखा होगा कि ऑफिस में जाते ही वो उनका सरदर्द शुरू हो जाता है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अल्टीमेट स्ट्रेस में था तब उसने अपने ऑफिस को ही देखा था। जब कोई व्यक्ति किसी अल्टीमेट इमोशंस में होता है उस वक्त जिस भी चीज को देख लेता है वही चीजें उसके साथ अटैच हो जाती है। वो भी कई बार ना चाहते हुए भी आपका अपना ही कोई व्यक्ति अगर उसके साथ ट्रिगर हो जाता है तो वो आपके लिए डिप्रेशन का बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि आप हमेशा उसको देख देख के अपने अंदर घुटते रहते हो और उस सिचुएशन में अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हो, जो कि आगे जाकर एंग्जाइटी बनते हुए और एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है। दोस्तों अगला है इरेशनल फियर। जी हाँ दोस्तों, जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती उन चीजों से भी लोग डर जाते हैं। वो डर जब उनके अंदर बैठता है तो वो अगर किसी को बताते हैं तो लोग उस पर हंसते हैं और वो इरेशनल फियर उनको इतना डराता है और वो एक डिप्रेशन की स्टेट तक पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो रात को चलने में डरते हैं। अंधेरा खतरनाक नहीं, अंधेरा खतरनाक होता तो हर किसी को खाता, लेकिन अंधेरा खतरनाक नहीं है। बट उसने उसकी कंडीशनिंग ने उसके माइंड ने उसको इस तरह से कंडीशन कर लिया वो उससे फियर मान रहा है। वहीं जैसे आप देखते होगा अमूमन लेडीज कॉकरोच से डरती हैं, इंसेक्ट से डरती हैं, लिजार्ड से डरती हैं। क्या आपने सुना कि इन्होंने किसी लेडी को खाया हुआ आज तक? लेकिन नहीं, फिर भी लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो इरेशनल फियर है। तो ये भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। और जब व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, जब व्यक्ति इन सिचुएशंस को किसी के सामने क्लियर नहीं कर पाता, जब इन सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाता, तो वो अपने डिप्रेशन के साथ साथ में अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टोर्ट कर लेता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है, जो कि उसे पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। और जब वो अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टोर्ट करता है, जब वो अपने आप को किसी के लायक नहीं समझता, तो वो डिसीजन लेता है सुसाइडल का। और दोस्तों सुसाइड करना एक सॉल्यूशन नहीं है, जबकि आप बेहतर तरीके से उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। दोस्तों आपकी लाइफ ज्यादा हार्ड है या आपके थॉट्स? दोस्तों आपके माइंड में हर मिनट में 2500 से 3000 थॉट्स आते हैं, दिन भर में 50,000 से 60,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, जिनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। लेकिन यदि आपने अपने माइंड को ये नहीं सिखाया कि वो उन थॉट्स को कैसे हैंडल करे, वो उन थॉट्स में से प्रोडक्टिव थॉट्स को कैसे निकाले, कैसे फिल्टर करे, तो आप हमेशा उनके शिकार हो जाते हैं। और जब भी वो थॉट्स आपके साथ में आपकी इमोशंस के साथ में अटैच होते हैं और वो नेगेटिविटी आपके अंदर डाल देते हैं, तो वो थॉट्स आपकी इमोशंस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन के रूप में आपको बढ़ते चले जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि जब व्यक्ति अपने बारे में ना सोच करके सिर्फ इमोशंस के बहाव में बह जाता है और वही डिप्रेशन की स्टेट होती है। और डिप्रेशन का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना। जी हाँ दोस्तों, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना। जब आप इमोशनली अटैच होते हो किसी चीज के साथ में, तो एक बार उस पैटर्न को तोड़ के देखिएगा। जब आप उस सिस्टम पे चल रहे हो तो आपके पास एक के बाद जो थॉट्स आ रहे हैं, यदि आप उस थॉट्स में उलझते चले जाओगे तो आप उस भंवर में डूबते चले जाओगे। और यदि आपने उस थॉट की चेन को ब्रेक किया, एक बार उस पैटर्न को तोड़ा, तो आप उससे बाहर आ जाओगे, आप रियलिटी में आ जाओगे, प्रेजेंस में आ जाओगे। तो दोस्तों इस तरह से ये 9 इश्यूज हमने आज आपके साथ डिस्कस किए। यदि आपके साथ ऐसा कोई इश्यू होता है तो उसको ब्रेकआउट कीजिए, उसके चेन को तोड़िए, उसके पैटर्न को तोड़िए और आप अपने आप को पूरी तरह से बाहर पाएंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके साथ बताता हूं कि आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और उसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने थॉट को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। आप अपने माइंड से पूछना शुरू कीजिए कि कोई भी जो थॉट्स उसके पास आ रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, क्यों सोच रहे हो आप, ये ऐसा सोचने से आपको क्या मिलने वाला है, क्या ये आपके लिए प्रोडक्टिव है? आप कहोगे नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। विचार आ रहा है तो उस पैटर्न को तोड़ते हुए अपने आप से पूछिए, क्या ये विचार आपके लिए प्रोडक्टिव है? और यदि आपके जवाब हाँ आता है तो उसको एंजॉय कीजिए पूरी तरह से।
और यदि ना आता है उसको वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। और ये पैटर्न आपको पॉजिटिव विचारों को आपके दिमाग में लाने में हेल्प करेगा, आपको सकारात्मक बनाने में हेल्प करेगा और आपको डिप्रेशन से निकालने में हेल्प करेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपके पास कौन सा पैटर्न था और आपने उसको कैसे ओवरकम किया मुझे जरूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिले और वो अपने इन पैटर्न को तोड़ करके आगे बढ़ें। और फिर भी कोई सवाल रह जाता है, कोई पैटर्न रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब आपको दे करके आपको सहायता कर सकूं। मैं इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, परंतु यदि आपके जीवन में कोई बदलाव आता है तो आप वापस आकर के इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।